Hello everyone, welcome back to my channel again, and today we are going to talk about part 7 of print culture and modern world. So print culture ke part 7 ki hum baat karne wale hain. Agar aapko video abhi tak pasand aaya hai to channel ko subscribe kar dijiye, bell icon ko daba dijiye taki aap aane wale video ko na miss kare, sath sath mein like button bhi daba dijiye taki zyada se zyada logo ki recommendation video ja paaye. Thank you so much for joining. Chaliye start karte hain. Jo hamara part 7 hai wo hai religious reform and public debates. To uske bare mein baat karenge. Religious reforms ka matlab kya hai? Religious reforms ka matlab hai religions mein jo thodi bahut mistakes thi ya fir kuch ऐसी चीज़ें थी जो लोग गलत समझ रहे थे या फिर गलत थी, उनको सही किया गया, उनको रिफॉर्म किया गया. एंड पब्लिक डिबेट्स यानी कि पब्लिक में उन चीज़ों के ऊपर डिबेट की गई, क्या सही है क्या गलत है उसका फैसला लिया गया, एंड उसके साथ साथ उनको रिमूव किया गया. तो अगर हम बात करें स्टार्टिंग के 19th सेंचुरी अर्ली 19th सेंचुरी में इंटेंस डिबेट्स वगैरह स्टार्ट हो गई थी. जब हम यूरोप की बात करें थे वहाँ भी हमने देखा था कि जो कैथोलिक चर्चेस थे उनके खिलाफ जो मूवमेंट्स वगैरह आ गए थे, उसके खिलाफ जो लोग विचार डालने लग गए थे बुक्स के अंदर और न्यूज़पेपर्स के अंदर, जिसके वजह से लोगों के अंदर न्यू आइडियाज़ और उनके अंदर एक चीज़ आ गई थी जिससे कि वो न्यू जो जितने भी रिलीजियस बिलीव्स थे पुराने उनको चैलेंज कर पा रहे थे. तो इंडिया में जब प्रिंट आया सेम चीज़ यहाँ भी होने लगी. डिबेट स्टार्ट हो गई प्रिंट से, उसके बाद प्रिंट जो थे वो डिबेट की जो नेचर था उसको शेप करने लगे. जैसे कि हमारा मीडिया है आजकल लोगों की थिंकिंग को शेप कर रहा है कि ऐसा चल रहा है ऐसा चल रहा है, वैसे ही जो उस टाइम में प्रिंट आया था वो भी सेम चीज़ कर रहा था. हिंदू ऑर्थोडॉक्स बिहेवियर की बात करें फॉर एग्जाम्पल, जैसे पॉलीगेमी था. पॉलीगेमी मतलब कि जब जो रॉयल थे लोग थे वो ज़्यादा शादियाँ कर पा रहे थे जो कि गलत चीज़ थी. उसके बाद ब्राह्मणिकल प्रीस्टहुड था, यानी कि सिर्फ जो पंडित होते थे वो सिर्फ ब्राह्मण के हो सकते थे. उसके बाद विडो की बात की जाए, जो विधवा औरतें होती थी उनके साथ कुछ चीज़ें गलत होती थी. फॉर एग्जांपल सती प्रथा जो थी, उनको मंदिर में एंट्रेंस नहीं दिया जाता था, एंट्री नहीं दी जाती थी. एंड उसके बाद पर्दा सिस्टम जो वुमेन के साथ हुआ था, वो सब चीज़ें जो थी जो हिंदू धर्म में मानी जाती थी उनको चैलेंज करने के लिए काफ़ी लोग निकल के आए, जिनमें से एक नाम था राजा राममोहन राय. उन्होंने एक अपना पब्लिश किया संवाद कुमुदी नाम से, 1821 से उन्होंने प्रिंट करना शुरू किया उसको. एंड उसमें वो हिंदू के जो ऑर्थोडॉक्स जो थिंकिंग थी उसको वो चैलेंज करते थे, उसके बारे में लिखते थे. तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, अगर आप लिखना चाहते हैं तो राजा राममोहन राय, इनका संवाद कुमुदी नाम से इन्होंने शुरू किया 1821 में. उसके बाद अगर हम बात करें तो ये विचार वो जो अपने दे रहे थे उसके खिलाफ उनके खिलाफ भी एक विचार आ रहे थे. फॉर एग्जांपल तो हम प्रिंट की बात करें तो प्रिंट दोनों चीज़ें कर रहा था, एक तो जो ऑर्थोडॉक्स बिलीव्स थे पुराने बिलीव्स थे उनको चैलेंज भी कर रहे थे, साथ साथ में कुछ लोग थे जो उसको डिफेंड भी कर रहे थे उसके लिए भी प्रिंट आ रहे थे. तो उसके लिए अगर हम बात करें जो हिंदू ऑर्थोडॉक्स जो थिंकिंग वाले लोग थे जो समझते थे कि ये लोग ये चीज़ें ठीक हैं, वो क्या उन्होंने क्या समाचार चंद्रिका शुरू किया था, समाचार चंद्रिका, ताकि वो राजा राममोहन राय के ओपिनियंस को अपोज कर सके, उनको चैलेंज कर सके. देन अगर हम बात करें, ये तो हमारे हिंदू का हो गया, देन मुस्लिम लोग जो थे वो उनको भी फियर था कि जैसे जैसे प्रिंट आ रहा है, जैसे जैसे न्यू ये जो रूलर्स आ रहे हैं उसके बाद ये क्या करेंगे, जैसे कॉलोनियल रूलर्स जो आ रहे थे लाइक ब्रिटिशर्स जो आ रहे थे, उनको लग रहा था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इनको मतलब वो करवा देंगे, चेंज करवा देंगे. फॉर एग्जांपल जैसे होता है ना धर्म चेंज करवाना, धर्म परिवर्तन जो होता है, उनको लग रहा था कि ये लोग जो हैं ये हमारा धर्म परिवर्तन करा देंगे, उनको इस बात का फियर था. तो उन्होंने क्या किया, जो उलामा थे एक मुस्लिम लोगों की वो थी बोर्ड, लाइक फॉर एग्जांपल एक गैदरिंग या फिर हम कह सकते हैं ग्रुप था लोगों का, जिन्होंने क्या किया सस्ते कागज़ों पर अपने जो था प्रिंट करना शुरू कर दिया, उनके जो रिलीजियस बिलीव्स थे कुरान वगैरह के जो पार्ट्स थे वो प्रिंट करने शुरू कर दिया और उसे फैलाना शुरू किया कि आप जो उनके मुस्लिम के होली स्क्रिप्चर्स थे उनको प्रिंट करके ज़्यादातर लोगों तक फैलाने की कोशिश की, ताकि सब में अवेयरनेस फैले मुस्लिम धर्म के बारे में एंड वो लोग जो है चेंज ना करें. उसके बाद हमारे पास देवबंद सेमिनारी, ये भी एक मुस्लिम ग्रुप था जिन्होंने थाउजेंड्स ऑफ फतवाज निकाले थे, फतवा उन्होंने जारी किए थे. जैसे फतवा आपको पता ही होगा क्या होता है, जब जारी करते थे ना फतवा कि ये एक मतलब मुस्लिम धर्म की तरफ से आपका ये निकला है ये रूल, इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा. तो वो डेली रूटीन के बारे में बताते थे कि आपको इस टाइम पर पूजा करनी है, अगर आपको पूजा मतलब कि नमाज पढ़नी है एज इन, तो कोई ऑफेंड मत होना. तो मेरे ख्याल से जो मैं क्या कह रहा था कि जो फतवाज आ रहे थे कि आपको अपनी डेली लाइफ को ऐसे करना है, इतने टाइम पूजा, इतने टाइम आपको नमाज पढ़नी है, इतना सब कुछ करना है, तो ये सब चीज़ें जो थी वो हो रही थी. उसके बाद अगर हम बात करें हिंदू लोग जो थे वो उन्होंने भी क्या किया, अपने रिलीजियस टेक्स्ट जो थे उसको प्रिंट करना शुरू कर दिया ताकि वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे. रामचरित मानस के प्रिंट जो पहला प्रिंट था वो 1810 में निकला, उसके बाद काफ़ी सारे चीप प्रिंट्स भी निकले ताकि जो नॉर्मल से नॉर्मल लोग भी उसे अफोर्ड कर पाएँ. उसके बाद हमारे पास एक नवल किशोर प्रेस और एक श्री वेंकटेश्वर प्रेस का एग्जांपल है जिन्होंने काफी सारे रिलीजियस टेक्स्ट प्रिंट किए और काफी ज्यादा लोगों तक उनको पहुंचाया. तो प्रिंट जो था
वो खाली एक तो डिबेट का तो बना ही रहा था सारा सिस्टम, यानी कि डिबेट के लिए लोगों को आगे ला रहा था, नए नए बिलीव्स ला रहा था, नए नए चैलेंजेस ला रहा था, बट साथ साथ में वो सेम कम्युनिटी के लोगों को और डिफरेंट कम्युनिटीज़ को साथ साथ भी ला रहा था, तो वो अलग करने का थोड़ा बहुत काम कर रहा था, चैलेंजेस ला रहा था, बट साथ साथ में वो प्रिंट साथ एक सबको लोगों को साथ लाने का जरिया भी बन रहा था। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 7 खत्म होता है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। क्लिक द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ यू फाउंड दिस वेरी हेल्पफुल एंड शेयर फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस।